अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम अहमद अली है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस के अंदर हम लोग किस तरह से, अगर हम अपनी टीम रखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें कैसे उन लोगों को अकाउंट देते हैं, अपना अबाउट किस तरह से सेट करते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और शुरू करते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ। चलते हैं WP एडमिन और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद कोर्स की जानब भी चल लेते हैं, यहाँ भी देख लें कि हमने क्या करना था। पार्ट 10 शुरू हो गया, 11 शुरू हो गया, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, यहाँ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। चलें, उसके बाद हमारा आ जाता है अब यूज़र प्लगइन्स का जो ऑप्शन था। मैं इसको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके अंदर बताया था कि यूज़र, इसको मैंने अभी किया हुआ, देखें इसकी अपडेट भी आई हुई है, इसको अपडेट नाउ कर दो। योस्ट को मैं फिलहाल छोड़ूंगा, अभी जब हम आर्टिकल टाइप करेंगे वीडियो के लास्ट के अंदर, फिर हम योस्ट की सारी अपडेट सीखेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए और बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग यूज़र के अंदर। यूज़र क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन समझ लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। बेसिकली यूजर ये होता है कि अगर आप एग्जाम्पल लेके खुद ओनर हैं और वेबसाइट के, आप चाहते हैं कि मैंने 100 लोग अपने नीचे टीम रखी है। अब एक वेबसाइट के ऊपर आप अकेले काम तो नहीं कर सकते, अगर आप कर भी रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो आप अपनी ओनरशिप भी दूसरे को दे सकते हैं, या फिर उसको सब्सक्राइबर ही बना सकते हैं, या फिर उसको एज अ स्टाफ मेंबर भी बना सकते हैं, क्योंकि वो स्टाफ मेंबर जब बनेगा तो वो स्टाफ मेंबर वाले ही काम करेगा। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले क्रिएट करना बताता हूँ यूजर को। ऐड न्यू यूजर अपने करना है, यहाँ पर उसकी ईमेल एड्रेस डालें, यूजर की जो भी यूजर है उसकी ईमेल एड्रेस क्यों डालनी है, रिक्वायर्ड क्यों है, उसका पर्पज ये है। सॉरी, ईमेल एड्रेस नीचे आएगी, यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अहमद अली, एग्जाम्पल है अली शेख, उसकी ईमेल लिख देता हूँ। ये मैंने वैसे ईमेल लिखी है, मेरी ईमेल मतलब कभी मैंने यूज नहीं की इसको, ठीक है। नाम अहमद है इसका, वेबसाइट है इसकी ये वाली, शो पासवर्ड ये पासवर्ड, इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दिया। अब असल चीज यहाँ आती है कि उसको रोल कौन सा देना है। सब्सक्राइबर बनेगा वो, कंट्रीब्यूटर बनेगा, ऑथर बनेगा, एडिटर बनेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं तो समझ ले वो आपकी छुट्टी भी करा सकता है और आपको एडमिन से निकाल भी सकता है। हाँ, अगर आपका एतबार वाला बंदा है तो आप जरूर बनाएं उसको एडमिन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको एडिटर ऑथर बनाएं। कंट्रीब्यूटर बनाएंगे या सब्सक्राइबर बनाएंगे तो मैं आप लोगों को इन सारों की प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं सब्सक्राइबर बनाता हूँ, इसको एड न्यू मेंबर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने एड न्यू मेंबर पर क्लिक किया, यहाँ पर ये पासवर्ड भी इसका सेव हो गया और यहाँ पर नाम भी इसका मैं सेव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्रिएटर एकेडमी, WP एडमिन लिखते हैं, इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। अब हमने यहाँ पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें दी थी, सब्सक्राइबर बनाया था। ओहो, अच्छा चलें ठीक है, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ से अहमद अली को लॉग इन किया और वो था क्या, सब्सक्राइबर। अब जब मैंने इसको सब्सक्राइबर बनाया तो क्या दिया सब्सक्राइबर में, सिर्फ प्रोफाइल। ये एक सब्सक्राइबर है, उसने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसको एक प्रोफाइल दे दी। अब वो अपनी प्रोफाइल खुद से एडिट कर सकता है, डैशबोर्ड में जाके देख सकता है कि कौन कौन सी पोस्टिंग आई हुई है और कौन कौन सी आ रही है या फिर आने वाली है। बस सब्सक्राइबर है वो, क्योंकि या वो साइट पे जा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा वहीं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे अपने, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट खुल जाएगा। अब चलते हैं यूजर के अंदर, अब उसी यूजर को मैं एडिट करता हूँ, सब्सक्राइबर की जगह मैं उसको बनाता हूँ। अब ये इसकी पूरी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। इस प्रोफाइल को सेट करने का तरीका, मतलब इसको फिल करने का तरीका मैं सारा आप लोगों को भी बता रहा हूँ। सब्सक्राइबर की जगह मैं इसको कंट्रीब्यूटर बनाता हूँ और इसको अपडेट यूजर करता हूँ। ये अभी फिल करते हैं, ज़रा 2 मिनट में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर मैं इसको नए इसको खोल लेता हूँ, उसके अंदर मुझे बार बार लॉग आउट ना करना पड़े। इसको चलते हैं इनकॉग्निट में जाके, क्रिएटर एकेडमी में जाके WP लिख कर, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं अहमद अली को और लॉगिन करता हूँ। तो अब जब मैंने इसको क्या बनाया, कंट्रीब्यूटर बनाया था, क्या बनाया था मैं खुद ही भूल गया, कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर में क्या क्या चीज़ें मिली, ये कंट्रीब्यूट का मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा, इसके अंदर पोस्टेशन डाल दी,
कस्टमाइज स्लाइड डाल दी, कमेंट्स डाल दिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया, इसकी अपनी प्रोफाइल डाल दी और टूल्स डाल दिए। इसने कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये आर्टिकल टाइप करेगा यहाँ पर आकर, जब भी आएगा आएगा चेक करेगा, आर्टिकल टाइप करेगा। अब देखते हैं ये क्या आर्टिकल डिलीट कर सकता है, इसको मैं जाता हूँ, ये डिलीट भी नहीं कर सकता, मूव टू ट्रैश कर सकता है। देखो जरा कहाँ कहाँ कितने ट्रैश के, दो ट्रैश के, एक पहले वाला एक अभी वाला। हाँ जी ठीक है, ये ट्रैश कर सकता है, डिलीट कर सकता है आर्टिकल। इसमें सिलेक्शन कोई नहीं है, देखें क्या ट्रैश करेगा, सिलेक्शन ही नहीं है, ट्रैश है, क्या करना है इसने। यहाँ जाते हैं व्यू में, और ये तो व्यू हो गया आर्टिकल, ये डिलीट भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। जहाँ पर भी पूरी दुनिया के अंदर आप लोग उसको ये बना के दे दें कंट्रीब्यूट, वो क्या करेगा, आर्टिकल पोस्ट करता रहेगा बस बैठ के, उसको और कुछ मिलती नहीं, कमेंट्स मिलेगी, कांटेक्ट मिलेगा, इसको स्लाइडर मिल जाएगी, बस उसकी प्रोफाइल होगी खुद की, वो जाएगा बस पोस्टिंग करता रहेगा बैठ के, इस वेबसाइट पर जाकर पोस्टिंग करता रहेगा। अब मैं इसी अहमद अली को ऑथर बना देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि ये ऑथर के अंदर क्या क्या फैसिलिटी इसको मिलती है। इसको डैशबोर्ड को मैंने क्लिक किया और इसको मीडिया भी मिल गया, कमेंट्स भी मिल गया, और इसकी प्रोफाइल में जाके चेक करते हैं कि ऑथर में इसको पेजेस भी मिल गए यहाँ पर। और ये अहमद अली नीचे आते हैं, ऊपर चलते हैं वापसी। अच्छा इसका खुद का लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, देख सकते हैं पेज रोल का, लेकिन इसको ये चीज़ें ऑथर में मिल गई हैं, ऑथर है अब ये चीज़ का, मतलब ये अपलोड भी कर सकता है फोटो वगैरह, स्लाइड भी, पोस्ट को देखो डिलीट कर सकता है, पेजेस को भी जा सकता है, पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता ये। अच्छा अब मैं इसको देता हूँ एडिटर, अब देखते हैं ये क्या कर सकता है एडिटर। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि एडिटर साहब क्या क्या कर सकते हैं। इसको प्रोफाइल मिल गए, टूल्स मिल गए, पेजेस मिल गए, यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ पेजेस का, सिर्फ चलते हैं चेक करते हैं कि प्रोफाइल के अंदर। हाँ अब देखें ये ट्रैश भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और डिलीट ऑल भी कर सकता है, क्योंकि इसको ऑथराइजेशन दे दिया, डिलीट ऑल करूँगा डिलीट ऑल हो जाएंगे। पेजेस में जाता हूँ तो पेजेस भी इसको सारे दे दीजिए, मीडिया में जाता हूँ तो मीडिया भी इसको सारा मिल गया, मतलब इसको ऑथराइजेशन दे दिया डिलीट करने की। और अगर मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर और नो रोल फॉर दिस साइट, अच्छा इसको कोई रोल भी नहीं देना, वो भी है ऑप्शन। इसको आपने किया एडमिनिस्ट्रेटर और अब मैं डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ और अब आप देखें पूरा इसको हर एक चीज़ प्लग इन ये वो हर चीज़। अच्छा ये इसमें एक और ये बात है, अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो ये आपको भी निकाल सकता है, ये बता दूं मैं आपको। जैसे लाइक ये ऑनलाइन है मतलब इसको यहाँ डिलीट दबाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर को निकाल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आया होगा, यूज़र का समझ आया होगा। इसको करता हूँ डिलीट और जितनी भी इसकी पोस्टें हैं कह रहा है, अच्छा डिलीट करने के बाद ये पूछ रहा है कि इस बंदे ने जितनी भी पोस्टें की हैं वो भी डिलीट कर दूं या इस बंदे ने जितनी भी पोस्टें की हैं वो अपने नाम के खाते में डाल दूं। मतलब मैं कह रहा हूँ इसने जितनी भी पोस्टें की वो मेरे नाम पे डाल दो, अब जितनी भी पोस्टें होंगी वो मेरे नाम पे आ गई होंगी। ये चीज़ होती है कि जैसे मिसाल है अगर अपने एम्प्लॉय को निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी जितनी भी पोस्टें होती हैं वो अपने अकाउंट में आ जाती हैं। अब हम आ गए हैं प्रोफाइल के अंदर, जो मेरी इस टाइम प्रोफाइल बनी हुई है वो देखते हैं। प्रोफाइल का यूज़र नेम ये है, नाम मैंने अहमद डाल दिया, यहाँ अली लिख दिया। ये बता रहा है कि डिस्प्ले जो नेम होगा वो ऑनलाइन अहमद अली हो, अहमद हो, अली हो, क्या हो, या अहमद अली हो या अहमद अली हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले भी ये नेम हो, जो भी मैं पोस्ट करूँगा, जैसे मैंने पोस्ट की यहाँ पर, इस पर नाम अगर नहीं शो हो रहा, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो अंदर से खोलना पड़ेगा, यहाँ पर नाम शो होना चाहिए इसका, नहीं हो रहा ठीक है, ये अंदर से खोलना पड़ेगा नाम, ओके। उसके बाद ईमेल एड्रेस ये है, वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट आप लोगों ने ये पुट कर देनी है। बायोडाटा मैं अपना यूट्यूब चैनल से उठा लेता हूँ, बायोडाटा कोई भी आप बायोडाटा डाल सकते हैं। ये डालने की वजूहत क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए मैंने ये पोस्ट की, पोस्ट तो मैंने की लेकिन पता कैसे पड़े किसने की पोस्ट ये। बायोडाटा डालकर इसको ओपन करना है आपने सेटिंग्स में जाके, जस्ट लाइक मैंने ये बायोडाटा अपना कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर नहीं लग रही, ये कह रहा है कि ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करें, चलें कर लेते हैं। न्यू पासवर्ड यहाँ से डलता है, ऑथर विजेट्स नहीं हमें कुछ नहीं। अच्छा यूआरएल डालनी है, गूगल की डाल देनी है, मैं इसको हैश डाल देता हूँ, यूज़र नेम हैश, ये भी हैश, लिंक्डइन जो भी डालनी है आपने यहाँ पर सारी यूआरएल डाल देनी है और अपडेट कर देना है। अब मसला कहाँ पेश आता है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरी पूरी प्रोफाइल बनी हुई है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही अबाउट के अंदर आके, तो वो अबाउट शो हो जाना चाहिए। डिस्प्ले विजुअल
ये कोडेक नहीं, कोडेक नहीं चाहिए, विजुअल डिस्प्ले, विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग। इसको ज़रा मैं ऑन करके देखता हूँ कि अगर ये वर्क करती है वेल एंड गुड, और चेक करता हूँ यहाँ पर, ये वर्क नहीं कर रही। इसका तरीकेकार ये है वर्क करने का। अब वापसी इसमें आए, इसको वापसी सेव करें, जेरेडा में चले जाएं आप। जेरेडा क्या है? थीम की सेटिंग है। ये क्या है? थीम है। थीम को हम जाके बोलेंगे कि इसको ऑन करो। किस तरह से? ये थीम की सेटिंग आने वाली है ऑन फ्यूचर वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को इसके अंदर ऑन करके बता रहा हूँ। आप आ जाएं इधर आर्टिकल सेटिंग में, ऑथर मेटा पोस्ट के नीचे आए, ऑथर मेटा किसने पोस्ट की है ये, ठीक है। आर्टिकल राइटर ऑथर मेटा बॉक्स भी आए तो भले आए, इमेज भी आ जाए, फीचर्ड में वो भी आ जाए भले, पोस्ट मेटा भी आ जाए भले। अब और क्या है, शेयर पोस्ट ही बटन जो मैंने दिए हैं उसके अंदर वो भी आ जाए या नहीं, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। इसको मैं ऑन करता हूँ और इधर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखें आप, यहाँ पर जैसे ही मैंने पोस्ट की, थंबनेल अलग हो गया, यहाँ पर ये अलग हो गया। इसको मैं ज़रा वापसी चलता हूँ, इसको वापसी ऑफ करता हूँ, जो थंबनेल अलग हो गया इसको, इसको ऑफ करें, इसको ऑफ करें, इसको ऑफ करें, और अब देखते हैं थंबनेल अलग क्यों हुआ ना, अलग नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसके ऊपर थंबनेल लगा होना चाहिए। ये आ गया, अब थंबनेल इसके ऊपर ही लग जाएगा, ठीक है। थंबनेल यहाँ आ गया, ये आ गया, और कहाँ गया अबाउट, अबाउट है ही नहीं। दोबारा खोलें पोस्ट आउटर बॉक्स, ये आ गया, ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये हो गया सेव, रिफ्रेश, ये हमारा ऑथर आ गया अबाउट अहमद अली। नीचे आ जाए, किधर चला गया, एड्स देखें, ये शेयर होल्डर वालों ने एड्स भी दे दी अपनी ऑटोमेटिकली। ये उन लोगों की प्लगइन वालों की एड चल रही है जो मैंने ये प्लगइन किया है इंस्टॉल, ठीक है। इसकी ऐड खत्म करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसकी जगह अपनी ऐड भी आप लगा सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ, अबाउट अहमद अली। ये पूरा अहमद अली के बारे में लिखा है, अहमद अली की सारी लिंक्स आ गई यहाँ पर, जो मैंने हैश हैश डाले वहाँ पर आपने लिंक्स डालनी है, क्योंकि मैं हैश को क्लिक करूंगा डायरेक्ट यूट्यूब चैनल ही खुलेगा, यहाँ कुछ नहीं खुलना। उसके बाद यहाँ पर आपने एक चीज नोट की, इमेज नहीं आ रहा। इमेज क्यों नहीं आ रहा? अब आप ही से थोड़ा सा देर पीछे सोचे, मैंने एक प्लगइन जो है बंद किया था। आते हैं प्लगइन के अंदर, पहले प्लगइन ऑन होगा, ये रहा वो प्लगइन WP यूज एवर्टर। इस प्लगइन को ऑन करेंगे तो वहां ऑप्शन आ जाएगा, यूजर में जाना है, प्रोफाइल में जाना है, एडिट करना है और नीचे आ जाना है। उस वर्डप्रेस वाले ने कहा है, वर्डप्रेस ने कहा है कि आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करें, लेकिन मैंने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, किधर गया प्लगइन, मैंने किया है ये वाला। इसकी थोड़ी सेटिंग में चलते हैं, देखते हैं सेटिंग में क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि सेटिंग ये इस तरह से अलाउ कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर के लिए भी हो, ठीक है, अगर चाहें तो, मतलब अपने टीम के लिए, WP के लिए हो, इमेज ये वाला इमेज चाहिए, ये वाला इमेज चाहिए, मतलब इस तरह से दिखे या इस तरह से दिखे, कोई सा भी आप रख लें। उसके बाद सेव चेंजेस कर दें, उसके बाद आ जाएं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करें। यहाँ पर ये देखिए बता रहा है कि ये इमेज है। अब यहाँ से जाके मैं इसकी सेटिंग करता हूँ कि मुझे चूज इमेज करें, और यहाँ से कोई भी इमेज आप अपलोड करें, जस्ट लाइक मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज रखा हुआ है अभी, इधर गया डेस्कटॉप पे एक इमेज रखा था, चले ठीक है, दोबारा उठा लेता हूँ मैं यहाँ जाके, इमेजेस में बहुत से इमेजेस मेरे पड़े हैं यहाँ, चले मैं ये कोई सा भी इमेज ले लेता हूँ, ये मैंने इमेज ले लिया, ठीक है, ये इमेज अपलोड किया, अपलोड, ये इमेज देखें ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि मैंने प्लगइन दिया हुआ था, प्लगइन से इसने खुद ही इमेज अपने पास ले लिया यूट्यूब से, जो कि फ्यूचर्ड इमेज में लगा था। ये मेरा एक इमेज अपलोड होगा, इसकी URL यहाँ पर आ जाएगी, टाइटल यहाँ आ जाएगा, जो भी चीज़ें हो सारी यहाँ आ जाएगी, जब ये अपलोड होगा लिंक मिल जाएगी मुझे, जैसे कि ये अभी लिंक मिलने ही वाली है। और उसके बाद हमारा जो है ये इमेज की आ गई, इसको मैंने कॉपी किया, इमेज के यहाँ पर टाइटल का नाम डाला अहमद अली, और उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये इमेज लग गया, और इसको सेव किया। और फिर आते हैं यहाँ, जब मैंने सेव किया तो बाहर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब देखते हैं ये इमेज आ गया, और बाहर आते हैं और यहाँ पर भी रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारा इमेज आ रहा है, एब्सोल्युटली आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा काम आज का डन हुआ, कंप्लीट हुआ, हमने प्लगइन भी पढ़ा,
और अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ गाइड की। और अब भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ यार, मसला ही कोई नहीं है। तो हमारा जो है यूज़र कंप्लीट हो गया आज, यूज़र कैसे क्रिएट करना है, किसके लिए क्रिएट करना है, किस किस को देना है, सारा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद हमारा खुद का यूज़र कैसे है, हमने उसको मैनेज करना है, वो कंप्लीट हुआ। जैसे इस पर लिखा हुआ 17 पोस्टें कर ली हैं और प्रोफाइल एडजस्ट कर ली। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक टूल का है, फिर सेटिंग है, फिर जेरेडा थीम है, क्योंकि ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, क्योंकि ये तो हमने अभी प्लगइन किया तो ये आ गया उसका ऑप्शन। जो भी प्लगइन करते हैं उसकी सेटिंग ज़रूर आती है, जो भी थीम करते हैं उसकी सेटिंग ज़रूर आती है, जो भी वर्डप्रेस करते हैं उसकी सेटिंग ज़रूर आती है, फिर जाके हमारी वेबसाइट रन करती है। तो बहुत थक गया हूँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।